जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम कब तक होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके जो एग्जाम हैं वे कब तक हो सकते हैं। बहुत ही ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। और दोस्तों जो गणित विषय है मैथ्स में आप सभी मित्र बैक से कैसे बचें, इस पे भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि आखिर मैथ्स को आप तैयार किस तरीके से करें, कैसे मैथ्स को आप सीखें कि गणित विषय में आपकी जो है बैक ना लगे, बाकी सभी सब्जेक्टों में बैक ना लगे बहुत अच्छी बात है। खासकर मैं गणित सब्जेक्ट में बैक ना लगे इस पे चर्चा करूंगा और बाकी अदर सब्जेक्ट में भी बैक ना लगे उस पे भी दोस्तों चर्चा करने वाला हूं। तो बहुत ही दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि कुंभ जो मेला है उसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 ठीक है, यानी कुंभ मेले का जो आयोजन है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच में होगा, यानी कि 13 तारीख से शुरुआत होगी और 26 तारीख में समाप्त होगा कुंभ मेला की बात। दूसरी चीज आप जानते हैं कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो एग्जाम है वो दोस्तों 24 फरवरी से प्रारंभ होंगे और 12 मार्च 2025 में समाप्त होंगे, यानी कि हाई स्कूल जो इंटरमीडिएट के जो एग्जाम है जो परीक्षाएं दोस्तों हैं वो क्या 24 फरवरी से प्रारंभ हो जाएंगी और समाप्त कब होंगी 12 मार्च के में समाप्त होंगी, 12 मार्च को दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। अब ध्यान समझिए, देखिए ये दो डेटे हैं, ये अहम डेटे हैं। देखिए जो 24 फरवरी और 12 मार्च 2025 ये हाई स्कूल के एग्जाम जो इसमें होंगे, देखिए जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो एग्जाम होते हैं जहां इनका सेंटर जाता है वहीं दोस्तों उन्हीं विद्यालयों में आपका भी दोस्तों क्या सेंटर जाता है, वहां आपके भी दोस्तों एग्जाम होते हैं। यानी दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यानी कि 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच में एग्जाम कराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में किसी भी डेट में एग्जाम नहीं हो सकते, ना के बराबर संभावना है कि इसके बीच में एग्जाम हो 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच में। अच्छा ये जो कुंभ मेला है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 देखिए इसके बीच में संभावना है कि आपके एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान सुनिएगा कुंभ का मेला 13 जनवरी से प्रारंभ है, इसके पहले यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, कम संभावना बहुत ज्यादा संभावना नहीं, हो सकता है कि आपके एग्जाम दोस्तों करा लिए जाए। ध्यान सुनिएगा क्या हो सकता है कि आपके जो एग्जाम है जनवरी के शुरुआत में करा लिए जाए, बहुत कम संभावना है मेरे हिसाब से कि शुरुआत जनवरी के शुरुआत में कराया जाए, फिर भी कुछ ना कुछ तो संभावना है, जब तक 1% भी संभावना है तब तक आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है जनवरी के शुरुआत में। पर दोस्तों जो प्रबल संभावना है, जो ज्यादा संभावना हमारे हिसाब से है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया उसमें भी बताया कि जो आपके एग्जाम है कि वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में हो सकते हैं, इसमें संभावना ज्यादा है कि जनवरी के लास्ट या फरवरी की शुरुआत में हो जाए, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अच्छा किसी कारणवश यदि जनवरी के लास्ट और फरवरी की शुरुआत में नहीं हुई, क्योंकि देखिए कुंभ मेले का आयोजन भी है तो हो सकता है किसी कारणवश इसके बीच में एग्जाम ना कराया जाए, हो सकता है। तो देखिएगा तो ना तो जनवरी के शुरुआत में, ना जनवरी के लास्ट में, ना फरवरी के शुरुआत में, मतलब
यदि किसी कारणवश टलता है, यानी कि जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरुआत में किसी कारणवश टलता है, तो दोस्तों जो आपके एग्जाम कब जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी बताया कि 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में आपके जो एग्जाम कतई नहीं कराए जा सकते। क्यों? मैंने बताया कि इस जहां इनका एग्जाम होगा, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट वालों का जहां एग्जाम होगा, वही सेंटर आपके भी बनते हैं, वही सेंटर आपके भी बनते हैं, यानी कि जब इनके एग्जाम हो रहे हैं उस समय आपके एग्जाम करा पाना असंभव है। तो दोस्तों, यानी कि यदि एग्जाम लेट होंगे, जनवरी की लास्ट फरवरी शुरुआत में नहीं करा पाते हैं, तो दोस्तों एग्जाम 12 मार्च के बाद जाएंगे, यानी कि तो आपके एग्जाम 12 मार्च के बाद जाएंगे, यानी कि तो आपका मार्च लास्ट या अप्रैल तक एग्जाम जा सकते हैं, यदि किसी कारणवश एग्जाम नहीं हुए। वैसे मेरा मानना है और मेरा पीएनपी से अनुरोध भी है कि दोस्तों जो आपके एग्जाम हैं वो जनवरी माह या फरवरी के लास्ट तक हर हाल में करा लिए जाए, जिससे आप सभी मित्र अच्छे से अपनी एग्जाम दे सके और आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ सके, यदि जिससे आगामी जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें भी आप बैठ सकें। जितना लेट एग्जाम होंगे उतना लेट में ही आपका रिजल्ट आएगा, फिर दोस्तों क्या, यदि इसके बीच में कोई भर्ती आती है तो आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे। वैसे भी आप सभी मित्रों का सत्र जो है काफी लेट है कि नहीं, तो आप इसमें कतई झमेले में ना मत पड़िए कि कब आखिर एग्जाम होगा, कब क्या होगा। मैंने जो संभावनाएं हैं वो मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए मैंने बताया कि जनवरी के हो सकता शुरुआत में करा लें, कम ही संभावना है, फिर भी आपको करना क्या है, आप सभी मित्र अपनी जो तैयारी है इस हिसाब से करिए कि जनवरी के लास्ट तक आप सभी सब्जेक्टों को विधिवत से तैयार कर लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं, जहां से आप सीख रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं, वहां भी आप देखेंगे लगभग सभी जो सिखा रहे हैं आपको, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जो सिखाने लगभग सभी लोग क्या करेंगे, सभी मित्र हैं वो सभी लोग क्या करेंगे कि आपका जो सिलेबस वो जनवरी तक हर हाल में एंड कर लेंगे, यानी कि ये जनवरी का तक मतलब क्या, दिसंबर के लास्ट तक हर हाल में एंड कर लेंगे, यानी कि दिसंबर में सभी का लगभग सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और मैं भी जो आपको क्लासें यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लासेस जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं भी अपना सिलेबस जो दिसंबर के लास्ट तक हर हाल में दोस्तों कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप सभी मित्र निश्चिंत हो जाइए, चाहे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हो, चाहे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हो, आप सभी मित्रों को विधिवत से गणित को बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल शून्य से शिखर की ओर ले जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं सिखा भी रहा हूं आपको, आपकी क्लासें आपको प्रोवाइड भी करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यदि गणित में आपको बैक से बचना है तो करना क्या होगा, मैथ्स में यदि आपको बैक से बचना है दोस्तों, तो आप सभी मित्रों को रेगुलर डेली का डेली आपको सीखना होगा, जो मैं क्लासे प्रोवाइड करा रहा हूं उनको रेगुलर देखिए, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस भी करिए। ऐसा नहीं कि एक बार में आपने क्या वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से उसके नोट्स बना लिए और प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, आपने महीने दो महीने तक प्रैक्टिस ही नहीं किया, 10-15 दिन तक प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो आप जो प्रश्न लगाइए उस टाइप के प्रश्न देखिए आप, क्योंकि मैं होमवर्क में भी देता हूं, तो आप तुरंत दो प्रश्न लगाइए, उसके बाद दूसरा प्रश्न लगाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दोस्तों आप सीख पाएंगे, उतनी बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। तो मैथ्स में यदि बैक से बचना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्या गणित में यदि आपको बैक से बचना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, गणित में यदि आपको फेल नहीं होना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छे से पूरा सिलेबस वाच करिए, अच्छे से पूरा सिलेबस देखिए, उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप कतई घबराइए नहीं। मैं जैसे आपको सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में और क्या थर्ड सेमेस्टर में, जो फोर्थ सेमेस्टर वाले उनको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया, सेकेंड सेमेस्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया और क्या थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कंप्लीट किया और अच्छे से सिखाया, काफी प्रैक्टिस भी कराई, प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड कराए, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए और क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी प्रोवाइड कराएं। वैसे ही दोस्तों मैं फोर्थ सेमेस्टर में भी आप सभी मित्रों को विधिवत से सब कुछ कराऊंगा। सेकेंड सेमेस्टर में जो उनको भी मैंने देखे, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया, प्रैक्टिस सेट भी कराएं, आपको कराएं कि नहीं कराएं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराएं, मॉडल पेपर भी कराएं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराएं। जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी मित्रों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिया, वैसे
मैं सेकेंड सेमेस्टर का भी सिलेबस पूरा कंप्लीट करके आपको दूंगा, तो आप कतई घबराइए नहीं, विधिवत से हमारे साथ जुड़ते रहिए। बाकी सब्जेक्टों को भी दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से सीखते रहिए, ठीक है, सभी सब्जेक्टों को सीखते रहिए और रेगुलर पढ़ने का प्रयास करिए। ऐसा ना हो कि जब एग्जाम की डेट आए उसके 10 दिन 15 दिन पहले आप पढ़ना प्रारंभ कर दें। और बैक लगने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत ज्यादा तो महीने पर या बहुत लोग तो ऐसे कि 10-15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब एग्जाम की डेट आई तब वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं, या जब परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं तब वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा कतई मत करिए, अभी भी आपके पास वक्त है, ठीक है। आप सभी मित्र अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि यदि बैक 4 सेमेस्टर में लगती है तो आप 2 साल का जो सिले जो पूरा आपका 2 साल का डीएलएड था वैसे भी आपका लेट हुआ, और अब बैक लगती तो आप पूरा पीछे चले जाएंगे। यानी कि जब जो इस समय सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आपके साथ में देंगे, ये जब 4 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम होगा। इसलिए बैक लगने का मतलब है कि आप काफी पीछे चले जाएंगे, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। इसके लिए करना क्या, आपको रेगुलर हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे उतने बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपका रिजल्ट भी आएगा। अच्छा, जो मैथ्स की क्लासे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और डीएलएड 4 सेमेस्टर को, तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से जितना भी मैंने अभी तक सिखाया सब कुछ आप सीरियस से देख पाएंगे, सीख पाएंगे। और जो डीएलएड 4 सेमेस्टर के हमारे मित्र हैं उनकी भी दोस्तों क्लासे रेगुलर चल रही हैं, वो सभी मित्र डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंतर्गत जितना भी मैंने सिखाया है सब कुछ सीरियल से सिखाया है, ठीक है, आप सब कुछ सीरियल से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी मित्र आज से अभी से और इसी वक्त से अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिए, जिससे आप जो आप एग्जाम दें आगामी जो आने वाले आपके जो एग्जाम हैं किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं लगे। और बैक से बचना है तो आपको मैथ्स में खासकर प्रैक्टिस करना है, बाकी सभी सब्जेक्टों को अच्छे से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, यदि हमारी बात आपको अच्छे समझ में आई हो तो वीडियो को आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।